नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय माधापुरम मेरठ में चित्रकला विभाग द्वारा भारत में कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर गीता चौधरी, डॉक्टर भारती दीक्षित, डॉक्टर मोनिका चौधरी, डॉक्टर स्वर्ण लता कदम, डॉक्टर शबीना परवीन, डॉक्टर भारती शर्मा, डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर रविन्द्र कुमार, शालिनी सिंह एवं डॉक्टर भावना सिंह का विशेष योगदान रहा। महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश भारत में कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इसके उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंचा सेन इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू गुप्ता, डीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन IIMT मेरठ, मुख्य वक्ता डॉक्टर तरुणम सिद्दीकी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली, अतिथि वक्ता डॉक्टर विकास शर्मा जी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर रविंद्र कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गीता चौधरी, समस्त अतिथिगण, महाविद्यालय के समस्त प्रबुद्ध प्राध्यापकगण, शोधार्थी, मीडिया से आए पत्रकार बंधुओं और प्रायरी छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा देश विश्व का महान लोकतंत्र है, जहाँ सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं और हमारे संविधान में भी राइट टू इक्वालिटी का को सपोर्ट करता है। हमारा संविधान इस बात पे भी व्यवस्था बनाता है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे घर हो, बाहर हो, किसी भी रूप में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर लैंगिक असमानता का पालन ना हो। फिर भी इन सब के बावजूद भी अगर कार्यस्थल पर कहीं लैंगिक भेदभाव होता है तो इससे व्यक्ति की एफिशिएंसी और उसके मनोबल को प्रभावित करता है और वो जितना आउटपुट देना चाहिए वो उतना नहीं दे सकता। तो मैं यही कहूँगी कि इस कंडीशन में भी हमें बहुत धैर्य के साथ और आत्मबलिया के साथ सामना करना चाहिए। मैं साधुवाद देती हूँ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी को कि जिन्होंने इस संगोष्ठी हेतु इतने प्रासंगिक विषय को चुना, आप बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ पर ये उम्मीद करती हूँ कि इन दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जितने भी जो हमारे प्रबुद्ध अतिथि वक्ता आए हैं वो इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे और एक जो सार्थक निष्कर्ष निकल के आएगा उस पर मनन करेंगे।